हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले JSPM इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च वागोली पुणे। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 2021 कैपराउंड में उनका कॉलेज या कट ऑफ किया गया था, कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में और भी अदर फैसिलिटीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड मिल जाएगा। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको इंजीनियरिंग में इस चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी A to Z। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, शायद ही आपको और कोई वीडियो देखना पड़े इस कॉलेज से रिलेटेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज का आप नेम देख सकते हो, JSPM इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च वागोली पुणे। तो अब कॉलेज का यहाँ पे इमेज दिया गया है और कॉलेज का लोगो दिया गया है, आप देख सकते हो। हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हमारा कॉलेज 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो लगभग ये कॉलेज हमारा आज से 14-15 साल पुराना कॉलेज है। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो हमारे कॉलेज का पूरा नाम JSPM इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च वागोली पुणे है। हम कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो कॉलेज का लोकेशन गेट नंबर 720/2 पुणे, अहमदनगर रोड, वागोली, तालुका हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे 4,22,007 में है। तो ये कॉलेज हमारा पुणे में आ जाता है। हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा अनएडेड नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, क्योंकि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, अफिलेटेड बाय हमारा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। और इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है, www.jspmicoer.education.in। तो आपको ये लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। हम कॉलेज के NIRF रैंक की बात करें तो जो कॉलेज की रैंक है वो 250 से 300 के बीच में स्टैंड करती है। हम कॉलेज से अब नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो कॉलेज से हमारा पुणे एयरपोर्ट नज़दीक है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो हमारा पुणे रेलवे स्टेशन है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे। और नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो हमारा पुणे बस स्टैंड है, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज से। कॉलेज का DTA कोड 6160 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट और कॉलेज कोड भी कहते हैं। हम कॉलेज के कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो कॉलेज हमें बी और एमए और एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे हम बी में देख लेते हैं हमें बी में क्या क्या मिल जाता है। बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमए मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बी में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 180 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 60 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 120 सीटें हैं। और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 240 सीटें हैं। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बी में 600 सीटें मिल जाती हैं। हम एमई की बात करें, एमई मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो एमई में हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। लास्ट में हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग मिल जाता है, इसमें 24 सीटें हैं। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 120 की इंटेक कैपेसिटी है। हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का कट ऑफ। तो हमें यहाँ पे MSA CT 2021 कैप राउंड 1 का होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ दिया गया है। तो आपका अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो यहाँ पे परसेंटाइल है, एक दो परसेंटाइल का खाली डिफरेंस आएगा, वरना पूरा इक्वल परसेंटाइल होता है। अब हम सभी ब्रांच का उनकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेते हैं, तो आपको भी एक आइडिया जाएगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सी ब्रांच यहाँ पे मिल सकती है, मतलब आपके परसेंटाइल के हिसाब से। तो पहले हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे खाली ओपन के बंदे ने एडमिशन लिया, मतलब ओपन का खाली 5.24% गया है। OBC, SC, ST, EWS और JEE मेंस की सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो मतलब इन कैटेगरी के बंदों ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, पूरी सीट खाली है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। और इसमें यहाँ पे TEWS नहीं मिल जाता, पता नहीं नया रूल कौन सा आया है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन का कट ऑफ 86.23% गया है। OBC का 84.65% गया है। SC का 80.08% गया है। और ST का आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट कम हो गया, 8.40 हो गया है। EWS का 89.09 गया है। TEWS का 90.98% गया है। और JEE मेंस का हमारा यहाँ पे 81.11% गया है। अब EFTC डिपार्टमेंट की बात करें, EFTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ओपन का कट ऑफ 52.21% गया है। OBC का 38.53% गया है। ST का 23.69% गया है। ST कैटेगरी सीट यहाँ पे भी EFTC डिपार्टमेंट में खाली है। EWS का 66.24 गया है। TEWS का 77.80 गया है। और JEE मेंस का यहाँ पे 58.97% गया है। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब में वैकेंट 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 लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हर एक कैटेगरी की सीट खाली है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो 0% में भी। तो इस कॉलेज में हमें खाली बस देखने मिल रहा है कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट खाली कट ऑफ हाई है, मतलब 85 के आसपास है। बाकी सभी ब्रांच का यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे ज़्यादा CS की डिमांड है इस कॉलेज में। तो अगर आपको CS चाहिए, अगर आपका कम परसेंटाइल है, तो आप यहाँ पे आराम से ट्राई कर सकते हो।
अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों की फ़ीस दी गई है, फर्स्ट ईयर बी की फ़ीस दी गई है, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंट्री वाले लोग की फीस यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2019-20 की फीस दी गई है, क्योंकि कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही मेंशन किया गया था, 2021-22 का मेंशन नहीं किया गया, तो शायद सेम ही रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम सभी कैटेगरी के हिसाब से उनकी फ़ीस देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है 95,067 रुपीज़ है, और जो डेवलपमेंट फीस है 10,933 रुपीज़ है, और जो अदर फीस है यहाँ पे 1,000 है, मतलब यूनिवर्सिटी और अदर फीस यहाँ पे 1,000 दी गई है। तो पहले हम ओपन डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 1,07,000 फीस दी गई है OBC, EWS, SEBC और EBC की 59,466.5 रुपीज़ है, तो मतलब यहाँ पे 50 पैसे भी लिए गए हैं। अब हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ST, NT और SBC की यहाँ पे 11,933 रुपीज़ है, और SC की यहाँ पे 1,000 फीस है, और TWS की 11,933 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो SC, NT, SBC और TWS ये तीनों की जो ट्यूशन फीस है 100% माफ़ हो जाती है, और OBC, EWS और SEBC और EBC की यहाँ पे ट्यूशन फीस है जो यहाँ पे 50% माफ़ हो जाती है। तो जो TWS की स्कीम है ओपन कैटेगरी वालों के लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो फीस है यहाँ पे 90-80% पूरी ऑफ हो जाती है, अगर 1,00,000 है तो 15,000 खाली भरनी पड़ेगी। तो ये रही हमारी फर्स्ट ईयर बी और डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले लोग के लिए फ़ीस। अगर आप इस कॉलेज में MBA और ME करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उनकी भी फ़ीस देख सकते हो साथ में। तो यहाँ पे जो MBA की फ़ीस है ओपन की यहाँ पे 1,05,000 दी गई है, OBC, EWS इनकी यहाँ पे देख सकते हो आप 55,000 दी गई है, SC, ST की 10,000 दी गई है, और SC की 1,000 दी गई है। अब ME की बात करते हो यहाँ पे ME का आप देख सकते हो जो ओपन की फ़ीस है 1,00,000 दी गई है, और SC की 1,01,000 दी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस देख लेना। अब हम कॉलेज के हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें खाली बस दो गर्ल्स हॉस्टल मिल जाते हैं, बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। अब हम यहाँ पे रूम की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दोनों हॉस्टल मिला के टोटल 196 रूम मिल जाते हैं, और इंटेक कैपेसिटी यहाँ पे 586 स्टूडेंट की है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हॉस्टल के बारे में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो। अब हम इस कॉलेज की थोड़ी फैसिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा कैंपस के बारे में। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलेज में हमें हॉस्टल मिल जाता है, फिर सेकेंड यहाँ पे हमें जिम खाना मिल जाता है, आप यहाँ पे जिम खाना की इमेज देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमें कैंटीन भी मिल जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो कैंटीन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे इस कॉलेज में ATM की फैसिलिटी भी मिल जाती है, फिर यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज मिल जाती है, फिर हमें यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है, आप देख सकते हो। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट पैकेज, जिसका आप सभी को कब से इंतजार था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पे 12,00,000 तक गया है, और एवरेज पैकेज 4,00,000 तक गया है। और ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो ओवरऑल प्लेसमेंट यहाँ पे 80% है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंपनी मेंशन की गई है जो यहाँ पे 2021 और 22 की बैच में आई है, और टोटल आप देख सकते हो कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, तो 32 यहाँ पे विप्रो में हुए, फिर 25 यहाँ पे TCS इंडिया में हुए, और भी बहुत कंपनी आई है, आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब हम हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम सिविल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैंपस और ऑफ कैंपस की बात करें तो बैच 14 में टोटल 72% प्लेसमेंट हुआ था, बैच 15 में 88% हुआ था, बैच 16 में 84 हुआ था, बैच 17 में 88 हुआ था, और यहाँ पे बैच 18 में 90% प्लेसमेंट हुआ था। अब हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आप देख सकते हो बैच 14 में 92% प्लेसमेंट हुआ था, बैच 15 में 91 हुआ था, बैच 16 में 85 हुआ था, बैच 17 में 87 हुआ था, बैच 18 में 90 हुआ था। अब हम ENTC डिपार्टमेंट की बात करें, ENTC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैच 14 में 90% हुआ था, बैच 15 में 88 हुआ था, बैच 16 में 76 हुआ था, बैच 17 में 87.50 हुआ था, बैच 18 में 89% प्लेसमेंट हुआ था। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो बैच 14 में 88.5 हुआ था, बैच 15 में 79 हुआ था, बैच 16 में 91 हुआ था, बैच 17 में 89 हुआ था, बैच 18 में 91% प्लेसमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी इस कॉलेज में आती है, यहाँ पे हर एक कंपनी का लोगो मेंशन किया गया है। तो हम ओवरऑल देखें तो एवरेज कॉलेज, अगर आपका कम परसेंट आए तो आप यहाँ पे आराम से CSIT मतलब CS डिपार्टमेंट आराम से एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी एवरेज है, 10-12,00,000 तक यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जाता है। तो ओवरऑल एक एवरेज कॉलेज है, आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।